हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लेक्चर आ चुका है और टोटल 20 सॉफ्टवेयर आने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए और ये टोटल 4 लाख का कोर्स है, आपको फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिनेमा 4D का लेक्चर नंबर 24 है। जैसे कि हम ये डिफॉर्मर देख रहे थे, तो आज हम आगे देख लेते हैं स्प्लाइन रेल और डिस्प्लेसर। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ से हम कुछ स्प्लाइन बनाते हैं, यहाँ से इस तरीके से मैंने बना लिया। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारा एक स्प्लाइन बन चुका है, क्योंकि जो मैं ये बताने वाला हूँ ये स्प्लाइन रेल, तो ये स्प्लाइन के ऊपर ही काम करता है, इसलिए मैं स्प्लाइन बना रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक बना लिया, तो मैं इसका एक कॉपी मार के और बना लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्प्लाइन रेल ले लेंगे। जब ये लेंगे तो यहाँ पे देखिए पूछेगा कि यहाँ पे हमें कुछ ऐड करने के लिए कि जेड स्प्लाइन लेफ्ट राइट, तो उसके लिए मैं ये जो बनाया है स्प्लाइन इसके लिए ही बनाया हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक स्प्लाइन उठा के इसमें डाल दूँगा, एक इसमें डाल दूँगा, फिर भी कुछ दिख नहीं रहा है। आप रेंडर में भी देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, एक क्यूब लेंगे। एक क्यूब ले लिया मैं। तो जब क्यूब ले लेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, ये उठा के क्यूब के अंदर डाल देंगे। जब क्यूब के अंदर डाल देंगे तो यहाँ पे उसका कुछ साइज वगैरह मिलेगा, ये देखिए, क्योंकि जो मैंने बनाया स्प्लाइन उसके ऊपर ये काम कर रहा है, नहीं तो ये काम नहीं करता। और मुझे नहीं लगता कि कहीं पे ऐसा यूज होने जैसा है, मैंने तो कभी इसको कभी यूज किया नहीं है। ये देखिए, आप लोग को अगर कहीं पे यूज आए तो अच्छी बात है, बहुत कम ही यूज होता है। तो यहाँ से इसका सेगमेंट्स वगैरह बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने स्प्लाइन बनाया है उसी के शेप में बना हुआ है, क्योंकि देखो मैंने स्प्लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा किया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये भी उसके हिसाब से टेढ़ा थोड़ा सा हुआ है। तो मैंने तो एक लाइन बनाया, आप चाहे तो इसको कुछ और ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इसको चलो मैं डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ टाइप का बनाते हैं, इस तरह से ड्राइंग करते हैं इसको। और इसका मैं कॉपी बना के देखता हूँ क्या बनता है उसके ऊपर। ये यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। अब मैं एक ले लेता हूँ स्प्लाइन रेल, इसको रखूँगा मैं थोड़ा सा पीछे। यहाँ पे उसके बाद मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, क्यूब को इसके अंदर रखूँगा मैं इस तरीके से, और ये स्प्लाइन रेल को इसमें उठा के डाल देता हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए जो मैंने बनाया था उसी के हिसाब से एक शेप बन गया है। और ये देखिए, तो दोनों से करीब सेम ही बना है, तो मैंने पहले बताया था और ये बताया था। तो ठीक है, हम इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं।
इसको बंद किया। अब बारी आती है इसकी डिस्प्लेजर की, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में ये दोनों छोड़ दिया था, ये बता दिया था, ये बता दिया था, ये बताना था तो ये बता दिया भी मैं, बचा मेरा ये डिस्प्लेसर। तो हम इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा काम का है। एक स्पेल लिया, थोड़ा सा सेगमेंट्स और बढ़ा लेता हूँ मैं, इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ डिस्प्लेजर, ये इसके अंदर डाल दूँगा। जब मैं डाल दूँगा तो यहाँ पे हमें कुछ फॉलो अप शेडिंग और ऑब्जेक्ट करके दिखेगा, तो हम इसके पहले शेडिंग में चलते हैं। शेडिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा शेडर, जब शेडर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे नॉइसेस के ऊपर। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसके ऊपर नॉइस अप्लाई किया ये चेंज हो गया, और यहाँ से कुछ टेक्सचर वगैरह अगर लेना रहेगा तो हम उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं, और इसमें कुछ तो है नहीं, ये जो है लेमिनेंस, अल्फा, ट्रांसपेरेंसी, ये सब ऐसे ही रहने देंगे हम। तो उसके बाद हम जाते हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें उसका हाइट वगैरह मिलेगा इस तरीके का, ये देखिए यहाँ पे उसका स्ट्रेंज है। तो जैसे ही हमें रखना है, हम अगर कम रखना चाहते हैं तो कम, ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा रखेंगे। फिलहाल हम इसको फुल रखते हैं और यहाँ से हम इसको कम कर लेते हैं, जैसे हमारा था वैसा कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ उसका टाइप दिया हुआ है, तो टाइप में भी देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए, ज़्यादा कुछ चेंजेस दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ही चेंजेस है, तो पहले जैसे ही रहने देंगे। तो डिस्प्लेजर का मेन मतलब यही होता है कि ये देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा टाइप का हुआ है, ये इसका मीनिंग होता है डिस्प्लेजर का। और तो ऐसा कुछ है नहीं शेडर में, और कुछ बचा है ऐप है, ये कुछ उसका दिया हुआ है टेक्सचर का, पर ये तो टेक्सचरिंग के पार्ट में आ जाएगा मैपिंग वगैरह, तो इसको छोड़ दो। और फॉलोअप में ये थोड़ा सा इसका सेटिंग दिया हुआ है कि इसका वेट कितना होना चाहिए और उसका स्केल कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको जैसा आपको ठीक लगे आप यहाँ से कर सकते हैं। यही तीनों है, बाकी तो ये इतना कुछ काम का है नहीं। ये देखिए, जो भी करोगे इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो जो भी हमें करना है ये तीनों से करना है, फॉलो अप शेडिंग ऑन एंड ऑब्जेक्ट से। तो आपको जैसी पसंद आए आप उस हिसाब से रखिएगा। ये देखिए, इन इस पर क्लिक करेंगे नॉइस पे तो इस तरीके से थोड़ा सा और सेटिंग खुल के आएगा, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो इसका कुछ सीट दिया हुआ है कि जो ये आप लोग को दिख रहा होगा छोटा छोटा पार्ट, तो ये उसका यहाँ से बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम होगा, इस तरीके से ये चीज़ है। और इसमें तो जो मैंने नॉइस किया था नॉइस है, आप चाहिए तो एक एक को चेक करके देख लीजिएगा। ज़्यादातर जो डिस्प्लेजर होता है उस पर नॉइस ही अप्लाई किया जाता है, ये देखिए। आप चाहिए तो दूसरा कुछ अप्लाई करके देखना है तो देख लीजिएगा, कि कुछ ज़्यादा नया नहीं मिलेगा आपको, सेम ही मिलेगा। इधर कुछ टेक्सचर वगैरह दिया हुआ है उसका, ऐसा होना चाहिए। ये देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें थोड़ा सा चेंजेस होएगा। ये दिया हुआ है इसका जो ग्लोबल स्केल है, ये यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं कि कैसा होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे रिलेटिव स्केल दिया हुआ है, यहाँ से उसका कम कर सकते हैं। ये जो मैं अभी यहाँ से कर रहा था, इसे घूम रहा है, उसका एनिमेशन का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है,
इसको हम जीरो ही रखेंगे, ये भी जीरो ही रखेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो इसका डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये वहीं से बन जाता है, ये देखिए आप इसको चाहिए तो यहाँ से इसको की लगा के एनिमेशन भी दे सकते हैं कि आपका ऐसा दिखेगा स्टार्टिंग से, फिर एनिमेशन होके ऐसा दिखेगा, ये कर सकते हैं। उसके बाद लूप क्लिप है, ये भी कुछ काम का है नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बता रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं पीछे जैसा मेरा पहले था, इस तरीके का। तो यहाँ पे हम नॉइस ले लेते हैं, ये देखिए ये सबसे अच्छा है। तो आप लोग जब भी इसको डिस्प्लेजर को यूज कीजिएगा तो नॉइस पे ही रख के यूज कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर जो लोग नए हैं उनको तो ज़्यादा समझ में आया नहीं रहेगा, तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरा लेक्चर नंबर एक से देखें ताकि उन्हें पूरा सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आए। और इसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं फिजिकल स्काई डाल देता हूँ एक, और फिर रेंडर मार के देखता हूँ किस तरीके से दिखेगा। रेंडर मारता हूँ, ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।